हेलो ओरियन वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन स्वागत है सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे रेगुलर आपको वीडियोस मिल रहे हैं करंट अफेयर के ठीक है तीन मैं ऑलरेडी पार्ट डाल चुका हूँ तीनों पार्ट का अगर आपको लिंक डायरेक्ट चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना चौथी बात यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको आप जितना हो सके उतना शेयर करो और अपने आप खुद उसके अंदर इनरोल करो ताकि आपको जो मेरे फ्री क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी इसीलिए दबा के बच्चे मेरा साथ दो और मैं आप लोगों को क्या है दबा के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों को एफकेट एग्जाम नहीं सी डी एस सी ए पी एफ एनडीएसब का यहाँ पर आपको क्या बच्चे टोटली बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई बस आपको मेरा साथ देना बाकी मैं अपने आप यहाँ पर कर लूंगा ठीक है आइए जरा शुरू करते हैं कुछ करंट अफेयर एफ कैट के लिए भी सीडीएस के लिए भी सीएपीएफ के लिए मतलब टिल एग्जाम तक आपको क्या बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर इकट्ठा किए वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं देखो नेक्स्ट हु बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए बच्चे नया किसको बनाया गया अभी अपॉइंटमेंट हमेशा मेरा पहला सवाल मिलेगा आपको क्योंकि सवाल पूछता ही पूछता है सोमा रॉय बुरमन

सवाल यहां से क्या बच्चे कंफर्म बनेगा तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि ये जो हाईलाइट वाले मुद्दे क्या है ना हर बार आप लोगों से पूछेंगे जहां पर भी आपको दिखेगा कि फीमेल कोई ना कोई बड़े पोस्ट पर आई है या फिर कोई मान लो इन किसी फॉरेन कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बनी है तो आपको जरूर देखना और इंडिया में अगर कोई हाइयर पोस्ट मिली है तो डेफिनेटली आपको यहां पर क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, दिखेगा दिखेगा ध्यान रखना चलिए जरा तो यहां पर क्या न्यू अपॉइंटमेंट किया

फीकी का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है किसको यहां पर क्या है नियुक्त किया गया है, न्यू प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन फुल देखो बच्चे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स क्या है बच्चे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ध्यान रखना फिक्की क्लियर है सी सक्सिड संदीप सौम्य वाइस चेयरमैन एंड द एम डी ऑफ एच सी एल एज द फिकी चीफ फॉर नाइनटीन ध्यान रखना उनको यहां पर क्या रिप्लेस करके किसको बिठा गया गद्दी पर हु किसको अपॉइंट किया गया यहां पर संगीता रेड्डी को यहां पर क्या बचे उस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है आगे चलते हैं Who has been appointed India's first chief of डिफेंस सबको पता होगा फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी किसको अपॉइंट किया गया, गया है जनरल बिपिन रावत को यहां पर क्या है अपॉइंट किया गया है ध्यान रखना जनरल रावत को आउट गोइंग आर्मी चीफ जनरल रावत ऑन दिसंबर एज द कंट्री फर्स्ट एवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विस चीफ ए डे बिफोर इज रिटायरमेंट उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही क्योंकि जनरल बनाया गया मनोज नरवणे को और इनको यहां पर क्या है सीडीएस अपॉइंट किया गया सीडीएस का सबसे मेन फंडा क्या है सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द हायर अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट को क्या यहाँ पर सिंगल पॉइंट एडवाइस मिले किसी भी काम को लेके पहले यहाँ पर क्या था पहले नेवी अपना यहाँ पर सुझाव दिया करती आर्मी वहां पर अपना सुझाव दिया करती और वहीं पर क्या है वहाँ पर क्या है? अपना सुझाव दिया करती तो पहले काफी क्या था बच्चे कारगिल वॉर के टाइम में हम लोग देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा क्या था कंफ्यूजन था मतलब डिसीजन को लेके काफी ज्यादा क्या है इनपुट आउटपुट मिल रहा था मतलब क्या एक फर्म डिसीजन नहीं हो पा रहा था इसलिए यहां पर क्या है सीडीएस को अपॉइंट किया गया है यहां पर ताकि सिंगल पॉइंट एडवाइस वहां पर मिले स्टेट इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द गुड गवर्नेस इंडेक्स इन बिग स्टेट कैटेगरी क्या है देखो तीन टाइप की कैटेगरी होती है बिग स्टेट स्मॉल स्टेट और यूटीज वगैरा में ठीक है तो गुड गवर्नेंस कैटेगरी में सबसे बड़े राज्यों में किसका पहला नंबर है किसने टॉप किया यहां पर तो राइट आंसर इज तमिलनाडु इमर्ज एज द टॉप ऑफ द कंपोजिट रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेस इंडेक्स दैट इज जी जी आई गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किसका नाम बचे यहां पर तमिलनाडु का सेकंड पर कौन है महाराष्ट्र और कर्नाटका यहां पर क्या है सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे है ध्यान रखना ठीक है तीन कैटेगरी के अंदर बच्चे बिग स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेट्स एंड द यूटी अलग अलग कैटेगरी में क्या, इसको यहां पर डिवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ध्यान रखना एंड द हिल स्टेट कैटेगरी एंड द हिल स्टेट कैटेगरी फॉलो बाय द उत्तराखंड वहां पर टॉप पे एचपी सेकंड पे क्या है यहां पर उत्तराखंड है अमंग द यूटीज पांडिचेरी यहां पर क्या बच्चे टॉप पे है मेरा सवाल यह है कि जो पौंडीचेरी है कितने राज्यों का पार्ट है आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पौंडीचेरी अभी फिलहाल कितने राज्यों का पार्ट है ध्यान रखना फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती पहले पुदुचेरी ध्यान रखना वट इज द इंडेक्स रैंक ऑन द यू एन डी पी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का यहां पर रैंक क्या है एच डी आई में दैट इज को बोलते हैं यू एनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या होता है एच डी आई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2019 में इंडिया का रैंक क्या था ये आपको बताना है सो द राइट आंसर इज वन ट्वेंटी नाइन रैंक कितना आंसर है भाई वन ट्वेंटी नाइन रैंक है आउट ऑफ वन एटी नाइन कंट्रीज में से कितना रैंक है वन ट्वेंटी नाइन है आउट ऑफ वन एटी नाइन कंट्रीज में से तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ठीक है सबसे टॉप पे क्या है भाई नॉर्वे इज ऑन टॉप स्टेट सेकंड इज ऑन स्विट्जरलैंड आप लोग जानते हैं नॉर्वे फिनलैंड डेनमार्क स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड ये क्या हमेशा ये हमेशा यहां पर टॉप पर ही आते हैं यूएनडीपी एनडीपी फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ध्यान रखना मतलब इसे पार्ट ऑफ यूएन इट्स अ पार्ट ऑफ यूएन ध्यान रखना तो यहां पर इंडिया का रैंक कितना है वन है टू के लिए वट इज द इंडिया रैंक ऑन डब्लूफएफ बच्चों स्टैंड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोम वहां पर क्या है एक और इंडेक्स रिलीज किया इसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है तो राइट right आंसर आपके सामने रहा दैट इज वन वन टू इंडिया वॉज रैंक ऑन वन वन टू पोजिशन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्म ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज ऑन दिसंबर से इंडिया सफर्ड फोर प्लेस लॉस पहले से क्या हम लोग ओर डाउन आ गए पहले 108 सौ आठ था अब कितना हो गया हम 112 हो गए हैं आइसलैंड क्या है बच्चे यहाँ पर टॉप पे रहा है क्या है बच्चे आइसलैंड यहाँ पर टॉप पे रहा है आप लोग मुझे बताएंगे आइसलैंड कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है आप लोगों से सवाल है आइसलैंड यहां पर क्या है कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है कौन से महाद्वीप का पार्ट है आप लोग मुझे बताएंगे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों अब क्या इंटरनेशनल न्यूज को हम लोग जरा यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से नए नए यहां पर इवेंट हुए हैं हु हैज हैजिन डिक्लेयर द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड बाय द यूएन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में क्वेश्चन रहा हु हैज हुजिन डिक्लेयर द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड बाय द यूएन किसको यहां पर किया गया है द राइट आंसर इज मलाला यूसुफ जानते हैं नोबल पीस प्राइज होल्डर है सबसे कम उम्र में क्या इनको नोबल पीस पुरस्कार मिला था जिस टाइम पर भारत के कैलाश सत्यार्थी को चिल्ड्रन के काम करने के लिए क्या मतलब बाल मजदूरी को रोकने के लिए क्या उनको यहां पर वो पीस प्राइज मिला था उसी टाइम पे क्या यहां पर इनको तालिबानों के खिलाफ सर में गोली लग गई थी भाई साहब फिर भी क्या है गिव अप नहीं किया और क्या है आज यूएन की में से काउंट होती है. <laughs> क्या नाम है? पाकिस्तान से आई हाँ बहुत सुंदर जगह है वहां पर इन्होंने पढ़ना चाहा पर वहां पर इनके सिर में गोली मार दी किस्मत अच्छी रही बच गई और आज क्या है आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने बिगेस्ट मैगजीन टाइम्स फोब हमेशा सवाल आता है

Who was ऑनर्ड with the BBC Sports Personality of the Year Award? Who was ऑनर्ड with the BBC Personality of the Year Award? किसको मिलाया भाई ध्यान रखना देट इज बैन स्टो क्या है क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के वैसे बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से ठीक है क्योंकि वहां से एनचेस्टर उनके से? न्यूजीलैंड से थे बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ठीक है बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने पिछले साल तो इंडियन इंग्लिश क्रिकेट स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड यहां पर दिया गया है ध्यान रखना ठीक है आगे चलते नेक्स्ट विच पार्ट वोट्स टू बिकम द वर्ल्ड न्यू कंट्री आफ्टर ए रेफरेंडम रेफरेंडम क्या बोलते जनमत संग्रह जहां पर लोगों के पास राइट होता है कि वो लोग क्या अपने देश जैसे एक बार रेफरेंडम इंग्लैंड में भी हुआ था आप लोग जानते हैं स्कॉटलैंड को लेकर ठीक है लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी क्या है जनमत संग्रह का जिक्र नहीं है भारत के संविधान में यहां पर क्या बच्चे कहीं भी जनमत संग्रह का जिक्र नहीं है तो द राइट आंसर इज बोगली क्या बचे बोगेनविली क्या है बोगेन विली ध्यान रखना बोगेनविली में इमर्ज द न्यूएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वोटर सपोर्टिंग फ्रीडम एंड द द सेपरेशन ऑफ पपुआ पपुआ न्यू न्यू ध्यान रखना क्या आंसर है से क्या है अलग से क्या है कंट्री बना वहां पर रेफरेंडम हुआ और लोगों ने क्या चुना कि हमको क्या है अलग से एक नया कंट्री बनाया जाए और यहां पर क्या है वो नया कंट्री बन गया कहां से सेपरेट हुआ पपुआ न्यू गिनिया से बचे यहां पर क्या है सेपरेट हुआ जस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है ध्यान रखना वेयर वॉज द फर्स्ट

द इंटरनेशनल कम्युनिटी साइंड इन टू एटीन इन द न्यूयॉर्क आप लोगों से मेरा सवाल है कि यू एन एच सी आर का हेडक्वार्टर कहां पर है आप लोग मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे और मुझे इसका हेडक्वार्टर भी बताएंगे ध्यान रखना आगे चलते आइए जरा चाइना कमीशन इज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम बताओ भाई जब हमारे पास आई एन एस विराट भी था आई एन एस विक्रमादित्य भी था और अभी आई एन एस विक्रांत भी आने वाला है हमारे पास बच्चे एक था दोनों के पास क्या थे बच्चे एक एक थे एयरक्राफ्ट कैरियर आज मतलब हमारे पास दो थे उस टाइम पे चाइना के पास एक था एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करूं लेकिन अब क्या है उसके पास ज्यादा हो हो गए हमारा तो विराट भी क्या बच्चे हो गया और आई एन एस विक्रिया सेल गौरशेव था ठीक है उसका नाम हमने क्या रखा आई एन एस विक्रमाय हमने उसका नाम रखा है तो आप लोगों से सवाल है अभी कौन सा आने वाला बच्चे आई एन एस विक्रांत की प्लानिंग है आई एन एस विक्रांत की यहां पर प्लानिंग है ध्यान रखना उसके बाद आई विशाल की प्लानिंग होगी तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है पूछा गया सी डी में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुलस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो यहां पर उसका नाम क्या बच्चे द यहां पर क्या है उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है देखो जरा किसने उसको शुरू किया भाई प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट सी जिनपिंग थाउजेंड ऑफ नेवल ऑफिसर एंड अदर एट द नेवल बेस नियर सनाया सिटी 50,000 टन शेंडोंग इज चाइना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर द लियोनिंग द फर्स्ट चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज ऑरिजिनली परचेज एज ए हल्क फ्रॉम द यूक्रेन एंड द एंटायरली चाइना क्या करता है कोई भी चीज खरीद लेता है उसके बाद वो खुद का अपना बनाता है हम लोग क्या बस खरीदते ही खरीदते रहते हैं हम लोग अपना बनाने की नहीं सोचते हैं अब आप कहोगे सर आई एन एस विक्रांत आ तो रहा है अरे भाई सिर्फ उसका बॉडी बॉडी क्या है कोची शिप यार्ड ने डिजाइन किया है. अंदर का सब कुछ किसका है जनरल मोटर्स का इंजन है फलाना मतलब क्या है सब कुछ बाहर के पार्ट्स लगेंगे लेकिन सिर्फ क्या हम लोगों ने बॉडी बॉडी बनाई है ठीक है बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैटर करती है अभी हमको बहुत आगे बढ़ना डिफेंस में अगर हमें चाइना को कंपेयर करना पड़ेगा तो इंडिया न्यूज़ की तरह नहीं है हम लोग खत्म कर देंगे हम लोग ये कर देंगे पॉसिबिलिटी बच्चे बहुत कम है अगर वॉर हुआ भी तो हम लोग हारने वाले हैं पक्का लेकिन वो पहले वाला भारत अब नहीं रहा कोई भी दो न्यूक्लियर पावर कंट्री क्या करते हैं कभी भी क्या बच्चे फाइट वन टू वन वॉर से बचते हैं हमेशा कोल्ड वॉर हॉट वॉर डिप्लोमेटिक वॉर चलता रहता है ट्रेड वॉर चलता रहता है ठीक है एक दूसरे को अनस्टेबिलाइज करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोगों ने पाकिस्तानों का रखा है Which African country launched the first satellite into the space named ETR double किस अफ्रीकन कंट्री ने क्या बच्चे पहली सैटेलाइट लॉन्च की है स्पेस के अंदर उसका नाम है ETRS डबल तो यहां पर उस कंट्री का नाम क्या है? इथोपिया आप लोग मुझे इथोपिया का कैपिटल बताएंगे आप लोग क्या है? मुझे इथोपिया का कैपिटल बताएंगे ध्यान रखना ठीक है उन्होंने यहां पर क्या बच्चे चाइनेट ये चाइनीज रॉकेट लॉन्ग मार्च फोर से यहां पर क्या बच्चे उसको रिलीज किया है मतलब चाइना का कंट्रीब्यूशन वहां पर रहा ध्यान रखना चाइना का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर क्या बच्चे रहा वैसे ओवरऑल अगर बात करेंगे इजिप्ट यहां पर क्या बच्चे इजिप्ट बिकम द फर्स्ट सच कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट इन नाइनटीन नाइनटी एट उसने यहां पर क्या है नाइनटीन नाइनटी एट में क्या है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया ध्यान रखना <coughs> आप लोग मुझे बताएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं एक चोट सी बाहर निकली हुई है भारत की तरफ अगर आप देखेंगे मान लो अगर यहां पर ये यह अफ्रीका तो इस प्रकार से क्या है इस प्रकार से वो बना हुआ है तो यहाँ पर कौन कौन से तीन कंट्री आते हैं तो आप मुझे बताएंगे दैट इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं तो यहाँ पर कौन से तीन कंट्री हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विच कंट्री वॉज बैन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट बाय द वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस कंट्री के यहां पर स्पोर्ट्स को बैन कर दिया है वो हर रशिया को बच्चे बैन कर दिया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा रशिया को ठीक है अगर रशियन वहां पर ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे तो ध्यान रखना जो गोल्ड मेडल की टैली होती है बिगड़ सी जाएगी उसमें तो बहुत सारे नए देश वहां पर आ जाए क्योंकि बहुत अच्छा बच्चे यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स पर्सनलिटी बहुत अच्छी यहाँ परफॉर्म पर करती है रशिया की ध्यान रखना द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ऑन डिसंबर नाइन ट्वेंटी नाइन इंपोज ए बैन ऑन रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पर्ट फॉर

सॉरी फॉर दैट विच कंट्री हॉस्ट थर्टींथ साउथ एशियन गेम्स ध्यान रखना द राइट आंसर इज नेपाल और यहां पर हम लोग जबरदस्त परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे एक एक पंच नोकआउट होता है नेपालीज का भूटान का क्योंकि यहां पर स्पोर्ट्स की फील्ड में अपना मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है लेकिन हमारी जो मेडल टली कहां बिगड़ जाती है जब हम ओलंपिक में जाते जब हम कॉमनवेल्थ में आते तो वहां पर क्या है हमको नीचे से देखना पड़ता है लेकिन यहां पर क्या है? हम टॉप से आते हैं यहां पर क्या बच्चे हम टॉप से आते ध्यान रखना काठमांडू के अंदर बच्चे पोखरा एंड जनकपुर इट इज द थर्ड टाइम दैट नेपाल हॉस्टिट तीसरी बार था बच्चे यहां पर ठीक है पहली बार 1984 में था फिर उसके बाद वन ट्रिपल नाइन में था ठीक है कृष्णा सर यहां पर क्या था बच्चे वाज द मस्कट ये जरूर पढ़ना बच्चे एस एच ईज दस्ट स्टैंड फॉर साउथ एशियन गेम यहां पर एक एक लाइन यहां पर लिखा गया इंडिया सिक्योर इट्स बेट्स एवर मेडल काउंट विदोल ऑफ थ्री वन टू मेडल इंक्लूडिंग वन सेवन फोर गोल्ड मेडल नाइनटी थ्री सिल्वर टू फिनिश ऑन द टॉप बताओ यहां पर हम लोग क्या है एक तरफा चैंपियन है ध्यान रखना हर एक गेम में हम लोग यहां पर क्या है मेडल लेके आते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको एक करंट अफेयर क्लास पसंद आएगी प्लीज फटाफट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक किए बगैर और शेयर किए बगैर मत जाना जय हिंद